और देखिए अब बात होगी बाजार की। हरे निशान के साथ में खुला है शेयर बाजार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी रिश्ते मजबूत। 2027 तक भारत तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल होगा, तीन सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी जो रिश्ते हैं वो मजबूत। आज बाजार कैसा रहेगा इस पर हमारी नजर रहेगी और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जो अर्थशास्त्री जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे और बेहतर तरीके से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विदेश दौरे रहे हैं इसका भी क्या असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए तो तीन बड़ी इकोनॉमिक पावर रहेंगी, उसमें शुमार होगा भारत का बाजार। और हमारे साथ में आकाश जिंदल अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं। आकाश जी, लगातार आपसे बात होती रही, प्रधानमंत्री मोदी का जो विदेश दौरा रहा, क्या इससे भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा? आई थिंक बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी साहब के विदेश दौरों से आज तक इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट बूस्ट यानी काफी बूस्ट मिलता आया है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे देश के बहुत ही टैलेंटेड ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की ब्रांडिंग इतनी बढ़िया बना दी है कि उनकी वजह से दोनों तरह का विदेशी निवेश, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हिंदुस्तान में आया है। और प्रधानमंत्री जो है वहाँ के बिजनेस डेलीगेशन से भी मिलते हैं, साथ ही साथ वहाँ के बिजनेस डेलीगेशन और सीईओ भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में कैसे हिंदुस्तान ऑलरेडी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, कैसे हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि 2027 की संभावना जाहिर की जा रही है, और फर्दर कैसे हम एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 2035 तक बनने की संभावना रखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी साहब का टैलेंटेड नेतृत्व है, उनकी टैलेंटेड गाइडेंस है। आज एक तरफ अमेरिका, जर्मनी जैसी इकोनॉमीज रिसेशन के करीब पहुंची हुई हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वहां हालत ये है उनकी अगर डेट सीलिंग ना इंक्रीज हुई तो वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसी छोटी इकोनॉमी का आप हालत जानते हैं, एक एक किलो आटे के लिए सड़कों पर खूनी जंग हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान देखिए, हमने पूरी कंट्री को वैक्सीनेट किया कोरोना के अगेंस्ट, आज हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% के करीब है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के दौरे का हिंदुस्तान को आज तक फायदा होता रहा इकोनॉमी को, और इस बार भी फायदा होगा। काफी टाई अप होंगे और जो है एफटीएस होने की और काफी जो है बिजनेसेस आगे बढ़ने की संभावना। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को।